चेकआउट का टाइम हो गया हुआ है, अभी जंगल से हम लोग आया हूँ। जंगल कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा, पतलैया चौक, ट्रैफिक आपको यहाँ पे मिलेगा, हमेशा मिलेगा भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इधर। गेट लगा हुआ है चितवन का, सो ये मेन हाईवे के पास ही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चितवन से, जो कि चितवन मैंने कल आया था, पोखरा से डायरेक्ट चितवन आया था। तो आज मैं चितवन नेशनल पार्क दिखाऊंगा, उसके अंदर बहुत सारे जानवर है, सारा जानवर दिखाऊंगा, चितवन मार्केट दिखाऊंगा, पूरे इस एपिसोड में पूरे देखने को मिलेगा। अगर चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा हमारा ये वाला एपिसोड। मिलते हैं आपको चितवन नेशनल पार्क के अंदर। सो चितवन कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा, मार्केट अंदर में, मेरा होटल जस्ट नदी के पास में ही है, तो यहाँ पे इस तरह के गाड़ी लगती है और ये गाड़ी सब जाती है बोलेरो अंदर में। अगर आप गाड़ी सफारी करना चाहते हो तो गाड़ी सफारी भी कर सकते हो, हाथी सफारी भी होती है। सो फाइनली पहुँच गया हूँ ये ऑफिस के पास जहाँ पे टिकट कटता है। तो यहाँ पे हमें ना टिकट दी है इन्होंने, एक टिकट की प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे लिया मेरे को 800 रुपया गाड़ी की फीस, गाड़ी से जाऊँगा जो, और 100 रुपया ड्राइवर फीस। तो ये है केबिन भाई, अब अंदर चलता हूँ गाड़ी बैठ के आपको दिखाऊंगा। कुछ इस तरह के जानवर दिखेगा, ये देखो परमिट प्रोसेस, फॉरनर के लिए 2000 रुपया लगता है 8 घंटा का और 4 घंटा के लिए अगर जाओगे जंगल में तो, और इंडियन के लिए 1000 रुपया और नेपाली के लिए 150 रुपया। सो ये कुछ इस तरह के बोर्ड लगा हुआ है और ये मैप है भाई, इस तरह के मैप देखने को मिलेगा, जो सब मैप के अंदर में हर जगह से एक नया गेट निकला हुआ है। सो अभी हम लोग थे वहाँ पे, अभी आप थोड़ी देर पहले दिखाए थे उस जगह पे हम लोग, और इस तरह के कुछ मैप देखने को मिलेगा भाई। तो अभी निकलता हूँ, गाड़ी सवारी करता हूँ। सौराहा यहाँ से दिखता है, सौराहा से हम लोग एंट्री करेंगे। कुछ इस तरह का व्यू है, ये देखो भाई, ये सब में रिसोर्ट है, बहुत सारा होटल है, खाना वाना सारा चीज़ अवेलेबल है यहाँ, बट थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा अदर जगह से। सो अभी हम नदी का व्यू थोड़ा दिखाते हैं इस पर चढ़ के, फिर उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे, अंदर भी विजिट करके आपको दिखाऊंगा। ये देखो भाई, कुछ इस तरह के रिसोर्ट सब है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो भाई बोटिंग भी होती है ये नदी में, और ये राप्ती नदी है, राप्ती नदी कुछ इस तरह की दिखती है यहाँ पे, और पूरे ओपन जंगल है भाई, बहुत दूर में जंगल है, बहुत दूर में, लगभग गाड़ी सफारी करोगे तो आप ऑलमोस्ट 1000 रुपया यहाँ पर लेगा। ये देखो भाई मगरमच्छ, अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सोया हुआ, ये देखो भाई ये है मगरमच्छ, मगरमच्छ भी देखने को मिल जाएगा। सो कुछ इस तरह के जंगल है, अभी हम लोग अंदर चलते हैं आपको विजिट करके दिखाते हैं। ये हमारी गाड़ी है, फाइनली निकल चुका हूँ जंगल सफारी करने। तो ये देखो भाई कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा जंगल, और पास में आर्मी का जो डिफेंस एरिया है, डिफेंस रहता है यहाँ पे, जो नेपाल का आर्मी होता है सब दिखाई देते हैं यहाँ पे, फोटो वोटो करना अलाउ नहीं है इधर। और ये देखो भाई इस तरह का व्यू मिलेगा, और पास में इस साइड में आपको होटल ही होटल मिल जाएगा। अंदर चलता हूँ, 2 घंटा हम लोग को विजिट कराएगा। सो फाइनली मैं जंगल में एंट्री ले रहा हूँ इस गेट से, बहुत दूर तक घुमा के लाइए गाड़ी, फिर यहाँ से एंट्री लूँगा जंगल की, और ये जंगल ही है। सो अंदर में विजिट करके आपको दिखाऊंगा, अंदर घुसता हूँ। ये देखो भाई यहाँ पे कुछ इस तरह से बैठने का सुविधा है, देखो भाई यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा, और ये कल्चर सब होता है भाई, जो कि मैं पिछले वाले एपिसोड में दिखाया था आपको, आपने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो उसमें देख लेना। यहाँ पे थारू डांस होता है जो कि काफ़ी फेमस है चितवन का, और ये सब कुछ इस तरह का प्लेस है यहाँ पर। सो ये सब बोर्ड लगा हुआ है भाई देखो, और यहाँ पे थोड़ा खाना वाना का भी सामान सब रखा हुआ है, मिल जाएगा। सो ये गाड़ी है इसका, यहाँ पे हिरन मिल गया देखने को, हिरन। सो ये सब डिफेंस का एरिया है भाई, और बगल में नदी है। चेकआउट का टाइम हो गया हुआ है, अभी जंगल से हम लोग आया हूँ, जंगल में कुछ नहीं मिला है भाई, यहाँ पे इतना फ्रॉड होता है ना, आप लोग एकदम केयरफुली करके आना, यहाँ पे बहुत फ्रॉड होता है, सब चीज़ में फ्रॉड हुआ है जी इसमें। सो अभी चलता हूँ, अभी ये होटल है, कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे, वेलकम होटल होली लॉज रिवर साइड्स। सो इसी होटल में मैं स्टे किया था। सो अभी निकलता हूँ, आगे आपको सारा बात बताऊँगा यहाँ के बारे में, पूरे डिटेल्स। ये हो गया चितवन मार्केट, ये पूरे मार्केट है, चितवन मार्केट है और चितवन विलेज भी बोलते हैं। ये देखो भाई कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा चितवन मार्केट के पास, और पीछे जिधर से मेरा होटल था ना, वहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बाद उधर पूरे जंगल ही जंगल है,
और बगल में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम मैंने बताया था आपको। तो यहाँ हाथी सफारी भी होती है, गाड़ी सफारी भी होती है, पैदल यात्रा भी कर सकते हो आप गाइड रखकर, और उसके बाद हाथी सफारी भी होती है। तो मैं सोचा कि गाड़ी सफारी करता हूँ, अंदर तक ले जाएगा, बट इन लोग ने क्या किया अब मेरे को पता नहीं, मुझसे पूछा क्या बेहतर रहेगा, तो बोला आप 800 रुपया दो, 100 रुपया गाड़ी चढ़ दो और आप गाड़ी में बैठ जाओ और फिर अंदर ले जाएगा आपको, पूरे बढ़िया से विजिट कराएगा, जहाँ पे 5-6 जानवर ऐसे ऐसे मिलेगा जो आप फर्स्ट टाइम देखोगे। चलो ठीक है भाई, अंदर गया पूरे, तो वो कम से कम 15 से 20 मिनट, 2 घंटा का मैंने वो किया था टूर, 2 घंटा का टूर किया था मैंने। और मेरे को आप नदी के इसी पर मेरे को जंगल था, उस जंगल में मेरे को सारा चीज़ विजिट करके दिखाया। वहाँ पे सिर्फ एक हिरन मिला, जो कि हिरन मैं आपको दिखाया, क्लियर दिख भी नहीं पाया होगा। और उसके बाद बंदर उंदर दिख रहा था, और उसके बाद उसमें एक वो दिखा मेरे को जो नदी के पास आपने दिखाया था आपको, वो आपको बाहर से ही दिख जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, बाहर से आप देख सकते हो। जो 4 घंटा वाला होता है ना गाड़ी सफारी जो करना है, जो बीच जंगल के पास ले जाता है, जिसका इंडियन आदमी है उसको 1000 रुपया वो चार्ज लगता है, परमिट लगता है, 1000 का परमिट लगता है, और नेपाली का 150 का परमिट लगता है। और ये मेरे को बिना परमिट वाला में ले गया था, क्योंकि ये बताया नहीं मेरे को, मैं सोचा कि होगा कोई सोर्स पर भी या जानता होगा तो ले जा रहा है, यहाँ का लोकल है, बट मेरे से वो फ्रॉड कर लिया भाई, मेरे को अंदर घुसाया नहीं, बढ़िया से दिखाया भी नहीं जंगल के अंदर में। और क्या हुआ कि वहाँ से रिटर्न भी आया, वहाँ जानवर वर नहीं देखा, फिर उसको जाके बोला भी हूँ जो भाई ऐसे क्यों कर रहे फ्रॉडबाजी, आप पे मैं कंप्लेन दर्ज कर दूंगा तो आपका ये धंधा बंद हो जाएगा। बोला भाई ऐसे ही होता है यहाँ पे, सब वहीं घुमाता है हमको, फिर गलत क्यों बोल रहे, बहुत बोला मैंने उसको। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा भाई, मैं तो घूम लिया हूँ, बट अगर आप लोग आते हो तो आप लोग बढ़िया से घूमो, पूरी चीज़ वेरीफाई करो कि भाई यहाँ तक मेरे को घुमाओ, पूरे मैप में देख कर जाना भाई, क्योंकि मैप के हिसाब से मैं उसको बताया, लेकिन वो बोला कि हाँ मैं घुमाऊँगा, लेकिन मेरे को नहीं घुमाया वो, अब उससे मैं लड़ाई कहाँ करूँ भाई, तो बोल दिया हूँ। उसके बाद फिर वहाँ से निकल गया हूँ मैं। तो वो सब चीज़ होता है यहाँ पे चितवन मार्केट में। अभी मैं बाहर आ गया हूँ इधर चितवन से, अभी मेन हाईवे के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से हेटौडा होते हुए मेरे को ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर अभी आज गाड़ी चलानी है, तो ये राइड 200 किलोमीटर की होगी। यहाँ से ऑलमोस्ट मैं जाऊँगा हेटौडा, हेटौडा से फिर मलांगवा होते हुए डायरेक्ट बर्दीवास न, तब मलांगवा होकर ही निकलूँगा अपने घर की ओर इंडिया। सो कुछ इस तरह का व्यू है चितवन में, बहुत सारा होटल मिलेगा, रिसोर्ट भी मिलेगा, आप यहाँ खाओ पियो इंजॉय करो, वेज खाना मिलेगा, नॉन वेज खाना मिलेगा, बट खाना थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा यहाँ पे। बाहर में आप खाओगे 250 नेपाली में, तो यहाँ मिलेगा 350 रुपये नेपाली में, सादा खाना, सादा थाली की दाम ही है। और नॉन वेज में तो भाई 500-600 से प्लस ही है, तो जो भैंसा का होता है मांस वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, और वो सब चीज़ मिलेगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगा, मुर्गा उर्गा सारा चीज़ मिलेगा इधर, नॉन वेज खाना चाहते तो। इस तरह के लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर योर विजिटिंग, गेट लगा हुआ है चितवन का। सो ये मेन हाईवे के पास ही है, ये ऑलमोस्ट यहाँ से 5-6 किलोमीटर होगा हाईवे। सो कुछ इस तरह का व्यू है भाई, मिलते हैं आगे आपको, खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग हेटौडा निकलेंगे, फिर उसके बाद उससे भी आगे जाएंगे अपने घर की ओर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा एपिसोड। माफ़ करना मैं अच्छे से पूरे विजिट करके नहीं दिखा पाया हूँ, बट जहाँ तक मेरी कोशिश थी दिखाने का मैं दिखाया हूँ, बट मेरे साथ वो फ्रॉड कर लिया, तब क्या करूँ। नेक्स्ट टाइम होगा तो फिर दोबारा से चितवन आऊँगा और पूरे जंगल सफारी करूँगा, पूरे दिन का, कम से कम पूरे दिन करूँगा भाई, पर्सनल गाड़ी बुक करके। ये हो गया भाई सौराहा चौक चितवन। सो ये मेन चौक है, यहीं से मेन हाईवे है, यहीं से रास्ता कटती है। ये देखो कुछ इस तरह के गुंबज देखने को मिलेगा यहाँ पे, फोटो बनी हुई है, ये सौराहा चौक हो गया भाई। रत्नानगर महोत्सव कुछ करके यहाँ एक पुल है, तो आप आना तो यहाँ पे याद कर लेना, इधर से रास्ता कटती है। अगर आप चितवन घूमने आते हो चितवन नेशनल पार्क के पास, तो आप यहीं से टर्न ले सकते हो। और ये मार्केट से भाई बहुत दूर में मार्केट है चितवन में, बहुत दूर में मार्केट है, यहाँ पे सारा सामान यहाँ अवेलेबल है, खाना पीना रहना हो सारा चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। बट वहाँ पे जाना तो थोड़ा वेरीफाई करना भाई बढ़िया से एकदम, कि हाँ मुझे पूरे नेशनल पार्क बढ़िया से घुमाओगे ना, जहाँ जानवर सब रियल में मिलता हो, सबका एरिया होता है, मैप देख लेना भाई आप, क्योंकि मैं गया वहाँ कुछ दिखाया ही नहीं मेरे को, मेरे पास टाइम भी था बट उन लोगों ने मेरे का टाइम वेस्ट कर दिया, आधा घंटा तो पहले बैठाया कि भाई 2-3 आदमी और होने दो, उसके बाद गाड़ी में बैठा के घुमाऊँगा। कम से कम 9-10 आदमी होता है ना ग्रुप में, अगर आप आते ग्रुप में तब तक बेस्ट रहेगा भाई, क्योंकि ग्रुप में रहोगे तो जिस समय कहोगे उस समय स्टार्ट कर देगा वो, बट अर्ली मॉर्निंग थोड़ा ज़्यादा कोशिश करना आप लोग निकलने का,
क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं देखने के लिए, और उसके बाद 1 बजे टाइम होता है, बीच में 10 बजे 11 बजे 12 बजे कोई टाइम नहीं होता। उस समय गाड़ी वाड़ी ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको, कम सम गाड़ी दिखेगी वहाँ, और एंट्री भी बंद हो जाता है उधर से। तो अभी हेठौड़ा दिखाता हूँ आपको, हेठौड़ा के आगे और भी कोई कोई अच्छा चीज़ होगा, सारा चीज़ विजिट कराऊँगा आपको। भाई होटल के पास रुक गया हूँ, यहाँ पे खाना वाना खाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। ये हो गया भाई मनहरी लोथर मकवानपुर है ये, सब कुछ इस तरह का होटल है। खाना खाता हूँ, हेठौड़ा भी खाऊँगा आपको। ये देखो भाई, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है जो कि चौकी है, यहाँ पे प्रहरी चौकी। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये हेठौड़ा मार्केट, अभी मैं यहाँ से लूँगा राइट, अभी आपको दिखाऊंगा मार्केट। ये हो गया ट्रैफिक चौक, स्वदेशी सीमेंट का पहचान यहाँ चल रहा है भाई। ओ मेरी जान, रुक जा। ये देखो भाई, ये सब मार्केट है भाई। ये देखो कुछ इस तरह से सजा रखे हैं हेठौड़ा को, काफ़ी डेवलप है भाई ये मार्केट हेठौड़ा। यहाँ से दो सड़क कटती है, एक तो जनकपुर काठमांडू जाती है, एक पोखरा जाती है। और कुछ इस तरह के ट्रैफिक आपको यहाँ पर मिलेगा, हमेशा मिलेगा भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इधर, बहुत गाड़ी है भाई यहाँ पर। ये पोखरा की तरह ये भी डेवलप हो गया हुआ है। सो ये देखो भाई, नेपाली प्लेट बुलेट क्या सजा के रखे हुए हैं लोग। एक हम लोग हैं, बुलेट को थोड़ा सा भी इज्जत नहीं देते। ये देखो क्या सजावट है भाई बुलेट का, एक एक एक्सेसरीज लगा रखे हैं ये। और कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा मार्केट आपको हेठौड़ा। सो दो लेन है, हाईवे है ये, और देखो दोनों साइड से क्या लग रहा है भाई, पेड़ लगा हुआ है और दोनों साइड से मार्केट है भाई। बट उधर से थोड़ा एक्सपेंसिव कम है, इधर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि पोखरा में बहुत एक्सपेंसिव था। क्या हुआ, यहाँ पेट्रोल पंप भी है, और आगे से मैं बोर्ड दिखाता हूँ। ब्रिज हेड है ये, ब्रिज हेड इस पुल का नाम। देख रहे हो भाई कैसी साउंड है भाई, ऐसा ऐसा हॉर्न लगा हुआ है ना, नेक्स्ट लेवल लगेगा आपको। बहुत मजे में लोग गाड़ी चलाते हैं, पूरे टर्निंग पॉइंट। ये हो गया पथलैया हो गया भाई, कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा पथलैया चौक। और उधर चला जाएगा बीरगंज, यहाँ से बीरगंज 40 किलोमीटर है। सो कुछ इस तरह का व्यू है भाई। अभी ये सब पथलैया हो गया चौराहा, और इधर जाएगी जो जनकपुर सिंधली बर्दीवास, ये रास्ता जाने वाली है। सो मिलता हूँ आपको, थोड़ा सा वहाँ से इधर आ गया हूँ, वो चौक था इधर आ गया हूँ, रेड बुल पीता हूँ यहाँ पे एक। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बांगवती, तो बांगवती में कुछ इस तरह के मार्केट देखने को मिलेगा दोनों साइड से। और यहाँ पे खाली टूरिज्म लोग बहुत सारे आते हैं, यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह बनी हुई है जो कि यहाँ पे घूमने बहुत सारे पर्यटन लोग आते रहते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का मार्केट देखने को मिलेगा आपको बांगवती। देखो बांगवती पुल यहाँ पर लिखा हुआ है, बांगवती नदी भी दिखाता हूँ, यहाँ डैम भी है बांगवती का, और पास में भरत ताल भी है। यहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर हट के भरत ताल है, अभी दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया बांगवती ब्रिज, और इधर है भरत ताल भाई, उधर दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है उधर। सो कुछ इस तरह के बांगवती नदी दिखेगी आपको, और ये पानी है नदी में, बहुत तगड़ी नदी है, बहुत लंबी नदी भी है और बहुत चौड़ी नदी भी है नेपाल। ये देखो भाई इस साइड में दिख रहा है, ये हो गया डैम, इसमें 5-6 गेट ही खुला हुआ है, पूरा गेट नहीं खुला हुआ है, अभी 5-6 गेट का पानी ही निकलता है इधर से। और ये जो सड़क जा रही है ना, ये जो जा रही है ये भरत ताल जा रही है, भरत ताल वहाँ भी काफ़ी टूरिज्म लोग आते हैं। वो लेक है, छोटी सी लेक है वहाँ पे, जहाँ पे बोटिंग वोटिंग होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ बोटिंग करने के लिए। और कुछ इस तरह का व्यू था बांगवती नदी का, और यहाँ पे कुछ मार्केट मिल जाएगा जो कि सामान आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सो ये था बांगवती, मिलते हैं आगे इंडिया नेपाल का बॉर्डर पर, बहुत जल्द हम लोग घर पहुँचने वाले हैं।